everyone, welcome to our channel. All our child friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, जो कि एमओ है, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन है. एंड ये क्लास जो है हमारे पास वो 138 क्लास है. ऑलरेडी हमने 137 क्लास कर लिया है लास्ट क्लास, और जो आज हम करेंगे वो आपका 138 क्लास होगा. इससे पहले अगर मैं बात करती हूँ वो 37 क्लासेस में क्या हमने डिस्कस कर लिया है, तो सबसे पहले हमने एनालॉजी टॉपिक कवर अप किया है. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है. देन वी हैड अ सीरीज कंप्लीशन, देन वी हैड अ कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, डायरेक्शन सर्च टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम सिक्वेंस टेस्ट, एंड देन अभी हम जो कर रहे हैं वो दैट इज एमओ, एंड दैट इज योर मैथमेटिकल ऑपरेशन. ये 12th टॉपिक है. लेट्स काउंट इट आउट कि हमने कंप्लीट कर लिया है कि नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो 12th टॉपिक हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और होपफुली विद इन 2 to 3 क्लासेस हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे. और वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू द मैथमेटिकल ऑपरेटिंग, वेयर वी आर डिस्कसिंग द टाइप 1 ओनली, और वेयर द क्वेश्चंस वी हैव हियर. एज यू नो, हमने 37 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिया था, आज हम 38 क्वेश्चन से करेंगे. 38 क्वेश्चन में जो आज हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज 6Q2O and 1O1X16A1. नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, दैट इज योर 8O2A12Q10X118Q9. उसके बाद हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन है, दैट इज 8Q4A1M2X16M16. व्हेन थर्ड ऑप्शन वी हैव योर फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 2O3M4, एंड दैट वी हैव Q2Z1AN2. सो ये हमारे पास है, इसको आप सॉल्व करेंगे. लेट्स रिवाइज इट आउट कि ए स्टैंड क्या कर रहा है. A stands for multiply, X stands for your equals to, then Y stands for greater than, Q stands for divide, then O stands for plus, then M stands for minus, and Z stands for less than. तो ये हमारा representation है. Let's go through the first equation here, that is 6Q. 6 लिखेंगे, and then Q क्या होता है. Q is represented by divided, so 6 divided, then we have a 2 here. And then फिर O है. O जो है वो आपका प्लस को साइन कर रहा है. देन 1, फिर प्लस, देन 1, एंड देन अगेन वी हैव 1. उसके बाद प्लस हमारे पास 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, देन वी हैव 1 हियर. उसके बाद x है, x हमारा जो है वो इक्वल का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड देन वी हैव 16, एंड a जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड देन वी हैव अगेन 1 हियर. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं. 2 में अगर 6 डिवाइड करेंगे, वी विल गेट हियर, दैट इज योर 3, देन फिर प्लस 1, प्लस देन 1, एंड देन इक्वल्स टू 16, 1 16, जो कि नेक्स्ट डिवीजन होगा. डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन होता है. फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया. वी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. अगर इक्वल है देन दैट विल बी द राइट आंसर. अगर इक्वल नहीं है देन वी मूव विद अदर इक्वेशन. 3+1 4, 4+1 5. तो 5 इज दैट 5 equals to 16, that you also know that is wrong. So the equation 1 will be the wrong, and that is not the right answer here for this question. Now moving on with the next question here, that is your B1, that is 8, फिर O है, O आपका representation है plus का, then we have 2, फिर A है, A is representation of multiply, then we have 12, फिर उसके बाद Q है, तो Q that is the representation of divide, then we have a 10 here. देन एक्स है, फिर एक्स आपका जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वल साइन. एंड देन वी हैव 18, फिर उसके बाद हमारे पास क्यू है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवाइड, एंड देन वी हैव 9 हियर. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो वी हैव टू सॉल्व द डिवीजन फर्स्ट हियर. डिवीजन सॉल्व करने के लिए वी हैव डिवीजन हियर एंड ऑफ कोर्स हियर. सो 12 दैट इज योर हियर, 12Q10, एंड देन इट इक्वल्स टू 18Q दिस. सो वी विल जस्ट सॉल्व इट आउट. 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 12 और 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो विल गेट हियर, दिस इज 2 5 10 इंटू 6 12, तो 6/5 विल गेट हियर. सो मल्टीप्लाई 6/5, एंड देन वी विल गेट दैट इज इक्वल्स टू 9 की टेबल 18, दैट इज योर 2 टाइम्स दैट इट कम्स हियर. एंड देन आफ्टर दैट विल सॉल्व फर्दर हियर. इसको सॉल्व फर्दर करेंगे, देन वी वांट मल्टीप्लाई 6 टू द 12, दैट इज 8 प्लस 12/5 इक्वल, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.
और फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्दर 5 बाइज 40 प्लस 12 दैट इज योर 52, 52/5 तो दैट इज़ नॉट कैंसिल आउट, तो ये फ्रैक्शन में दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, दैट मीन्स बी इक्वेशन में नहीं होगी। थर्ड इक्वेशन को लेट्स गो थ्रू विद इट। 8 है, क्यू है, क्यू का मतलब है डिवीजन है। देन वी हैव अ 4 हेयर, फिर ए का रिप्रेजेंटेशन दैट इज अ मल्टीप्लाई, फिर 1 है, फिर एम है, तो एम इज रिप्रेजेंटेड बाय द माइनस हेयर, एंड देन वी हैव 2, फिर हमारे पास एक्स है दैट मीन्स इक्वल का साइन, फिर 16 है, और फिर एम है दैट इज योर माइनस साइन, एंड देन वी 16 है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। ओके, तो वी हेयर वी विल गेट वॉट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी विल गेट हेयर, मोर ओवर हमारे पास जो यहाँ पे आएगा दैट इज 8 में 4 गया, 4 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गेट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 16, तो अभी हम वैसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आता है तो 2 2 माइनस 2 विल गेट 2 माइनस 2 इक्वल टू 16 माइनस 16, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 भी 0 आएगा, 16 माइनस 16 भी 0 आएगा, तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी दिस राइट इक्वेशन, दैट विल बी द सी। तो सी हमें मिली गई है तो डी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, बट आप अपने कन्वीनियंट के लिए कर सकते हो कि फॉर दैट कन्फर्मेशन कि ये सही है कि नहीं है। बट द राइट इक्वेशन वी हैव इज 8Q4A1M2X16M16, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 39 एंड द सेकेंड क्वेश्चन फॉर द सेशन एज वेल। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन डिफरेंट लेटर स्टैंड्स फॉर द वेरियस सिम्बल एज इंडिकेटेड बिलो, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो अल्फाबेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ यू नो ऑपरेशंस हैं, तो हमें इसको ऑपरेट करते हुए करना है। हियर वी हैव आर, आर किसके लिए है, एडिशन के लिए, वी जस्ट राइट इट आउट हियर, आर जो है हमारा है दैट इज फॉर एडिशन। देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन, एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, टी टी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, यू स्टैंड्स फॉर डिविजन, वी स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन, एक्स स्टैंड्स फॉर लेस देन। सो दिस ऑल आर ऑपरेशन, कि आर जो है वो एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस जो है सब्ट्रैक्शन को, टी जो है वो मल्टीप्लाई को, यू जो है डिवीजन को, वी जो है इक्वल्स टू को, डब्ल्यू जो है ग्रेटर देन को, और एक्स जो है वो लेस देन को। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन ऑफ दीज इक्वेशन ओनली वन इज करेक्ट, तो ये तो कन्फर्म है कि इनमें से एक करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द अबव लेटर सिम्बल्स आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, आपको इसके अकॉर्डिंग आपको सबको आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स गो अहेड, वी हैव अ फर्स्ट इक्वेशन हियर जो कि हमारे पास है 16, फिर हमें चाहिए टी, टी है मल्टीप्लाई है, ओके, देन वी हैव 2, देन वी हैव आर, आर हमारा जो है 15 है, सॉरी आर हमारा है प्लस, देन 4, देन यू, यू हमारा है डिवाइडेड, देन वी हैव 6, देन वी हैव एक्स, एक्स इज योर दिस एक्स, एक्स विल बी द लेस देन, देन 8, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। लेट्स फाइंड इट आउट द आंसर हियर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो विल गेट, सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, तो 2 2 4 एंड 2 3 6 होगा, ओके। अगर हम इसके हिसाब से 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, हमें फिर फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी, कि हम फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद यू नो उसके हिसाब से करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट 50, तो ये तो होगा ही नहीं, ओके। सो क्योंकि वो हमें लेस देन आपका 8 का दिखा रहा है, तो वो वैसे ही पहले प्रोसेस में नहीं हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन है 16, फिर ओ है, ओ इज रिप्रेजेंटेड हेयर और दैट इज सॉरी यू इज रिप्रेजेंटेड हेयर इज डिवीजन, तो डिवीजन है, फिर उसके बाद 2 है, फिर आर हमारा प्लस है, देन 4 है, फिर एस सब्ट्रैक्शन है, फिर 6 है, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन, देन फिर वी हैव 8 हेयर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे देन वी गेट 8 हेयर प्लस 4 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 8। उसके बाद यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो प्लस पहले होगा, तो 8 प्लस 4 दैट वी हैव 12 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 8, 12 माइनस 6 6 आएगा, तो क्या 6 बड़ा है 8 से, नहीं ऐसा नहीं है, वैसे बस इसका मतलब बी इक्वेशन भी नहीं होगी। अब आते हैं 16 सी इक्वेशन पे, दैट इज 16, फिर टी हमारा है मल्टीप्लाई, फिर 2 है, यू हमारा है डिवीजन, देन फिर उसके बाद 4 है, फिर वी है दैट इज इक्वल्स टू साइड, देन वी हैव 6, फिर आर है दैट इज प्लस, देन फिर 8 है। हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिवीजन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारे 1/4 में आएगा, सो 16 मल्टीप्लाई 1/2
दैट इक्वल्स टू 6 + 8, फिर मल्टीप्लाई वाला करेंगे, 2 + 2, 2 + 8 = 16, तो फिर आएगा मेरा 8 = 8 + 6, अगर हम करेंगे राइट हैंड अगर 40, तो क्या 8 40 के इक्वल है? नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब सी इक्वेशन भी हमारी गलत हो गई। तो तीनों इक्वेशन गलत हो गई, तो होपफुली क्योंकि उन्होंने बोला एक इसमें से सही है, तो वो तो हमारे पास ऑल टोटल पता ही चल गया कि डी होना चाहिए, बट क्योंकि फॉर योर कन्वीनियंस है टू प्रूव कि ये है कि नहीं है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। सो हियर वी हैव 16 आर आर एस प्लस, देन वी हैव 2 SS - 4, वी इज इक्वल्स टू 6, फिर आर हमारा फिर प्लस अगेन, एंड देन वी हैव 8। इसको अब सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर डिवीजन कहीं पे भी नहीं है, सो विल जस्ट नॉट डू एनी थिंग, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वो भी नहीं है, फिर है एडिशन, एडिशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो लेट्स डू इट। 16 + 2 दैट विल बी 18, 18 - 4 इक्वल्स टू 8 + 6 दैट इज 14, फिर उसके बाद 18 में 4 गया तो क्या बचेगा, 14 = 14, राइट हैंड साइड पर ऑलरेडी 14 था, तो 14 क्या 14 के इक्वल है? यस, 14 = 14, तो उस हिसाब से हमारी जो इक्वेशन होगी दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, एंड द इक्वेशन वी हैव इज 16 R 2 S 4 V 6 R 8, दिस विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 41th ऑफ द सेशन हियर। This is the 41th question, and the question, the options we have is 20 R 4 U 4 S 2 W 3, 20 T 4 U 4 V U X 3, then 20 U 4 R 4 X 2 3 T 3, and then 27 that is we have here T 3. Then we have here 20 T. Then 4 U 4 V 2 X 3, and then we have here 23 that is 2 20, and here we have this is 3, then 4 U 4, and then V here, and then 2 S and 3. So is tarah se hum isko solve karenge. Let's go ahead and solve this equation so that we'll find it out the answer as well. So iske liye pehle karenge to yahan pe ab karte hain, dekhiye jaise 20 hai fir R hai, आर यहाँ पे कौन सा साइड है, आर इज योर प्लस, सो विल जस्ट राइट इट आउट प्लस या अदर, उसके बाद फिर 4 है तो 4 ये रहेगा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे है यू, यू हमारा देखिए कहाँ पे, यू इज हियर, यू हमारा ये है दैट इज योर डिवीजन, सो विल जस्ट राइट इट आउट डिवीजन हियर, उसके बाद है 4, एस माइनस है ओके सब्ट्रैक्शन है, अदर फिर 2 है, फिर हमारे पास यू नो देन वी हैव डब्ल्यू, डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेटर देन साइन, एंड देन वी हैव 3। इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स गो अहेड, यहाँ पे डिवीजन ये है तो 4 / 4 दैट इज 1, तो 20 + 1 - 2 इज ग्रेटर देन 3, उसके बाद 20 पे +1 करेंगे क्योंकि एडिशन होता है, फिर उसके बाद 20 + 1 = 21 हो गया, तो 21 - 2 दैट इज ग्रेटर देन 3, 21 में 2 गया तो दैट विल बी 19, 19 इज ग्रेटर देन 3, तो येस ऑफकोर्स दैट इज ट्रू, तो इसका मतलब हमारे हिसाब से वो ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर। बट लेट्स गो अहेड विद द सेकेंड एंड थर्ड हियर, सेकेंड इक्वेशन जो है दैट इज योर 20, फिर टी है तो टी इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लाई, देन वी हैव 4, देन यू, यू इज रिप्रेजेंटिंग द डिविजन साइड, देन वी हैव वी 4 हियर, एंड देन वी दैट इज इक्वल साइड, एंड देन वी हैव हियर 2 दैट इज एक्स, एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेफ्ट साइड, एंड देन वी हैव 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो विल डिवाइड एज 1 हियर, 20 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, एंड देन ऑफ कोर्स 2 एंड लेजर वी हैव अ लेजर साइड हियर, सो 2x हमारा जो कि लेजर साइड था, 2 इज लेजर हियर एज एज वी हैड रिप्रेजेंटेड हियर, इक्वल का साइड की बात करते हैं तो u हमारे पास फिर अगेन u ही होगा, वी आर डूइंग दिस डिवीजन हियर ओके, तो यहाँ पे भी ये 1 हो गया, और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा 2 और 4 वो भी हमारे यहाँ पे 1 ही होगा एज रिप्रेजेंटेड, तो फिर लेट्स डू इट अहेड, देन वी हैव योर 1, दिस इज 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 1 दैट इज ऑफ कोर्स 1 हियर एंड दैट इज लेस देन 3। उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्व करना है 20 × 20 20 - 1 दैट विल बी 19, 19 इज लेस देन 3, तो नहीं ऐसा नहीं है,
तो बी इक्वेशन भी नहीं होगी। सी इक्वेशन के लिए आते हैं। सी इक्वेशन जो हमारे पास है दैट व्हाट वी हैव टू सॉल्व इट आउट, सो दैट इज यू 20, देन वी हैव हियर इज यू एंड देन वी हैव अ वी हियर। ओके सो वी के लिए दैट मीन्स दैट इज इट इक्वल्स टू साइन, देन वी हैव 4, देन वी हैव एडिशन एंड देन वी हैव हियर दिस इज यू दैट इज ऑफ डिविजन हियर and then 4 and then plus that is 4 and then x hai to wo aapka ho gaya x is less than sign and then of course we have 2 and then we have t that is multiplying that is 3. isko solve karenge 4 aayega aur 5 aayega isko divide karne pe plus 4 is less than 2 is 6 so fir 5 plus 4 that is 9, 9 is less than 6 to nahi bhai ye galat hai, iska matlab hai c equation bhi galat ho gayi. okay अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, तो दैट वी हैव इज 20, फिर ऐसे माइनस 4, देन वी हैव यू दैट इज यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिवीजन हियर एंड देन वी हैव 4 अगेन, देन वी हैव वी दैट इज ऑफ इक्वल्स टू साइन एंड देन वी हैव 2, देन वी हैव टी दैट इज मल्टीप्लाई एंड देन 6. टी हमारे पास सोल्यूशन होगा, उसके बाद हमें डिवाइड करना है, सो वी जस्ट डू इट दैट 4 में 4 डिवाइड होगा दैट इज 1, तो 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें 2 3 6 हो जाएगा, 20 माइनस 1 दैट इज 19, 19 इज इक्वल्स टू 6 नहीं है, मीनिंग पॉसिबल है, तो फोर्थ इक्वेशन में ही गलत हो गई, तो हमारी जो आंसर होगी दैट इज ऑप्शन ए एंड दैट इज 20 आर 4 यू 4 एस 2 डब्ल्यू 3. नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 42 हियर एंड फॉर दैट सेशन एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, जिसमें भी हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड देन वील फाइंड इट आउट द आंसर एज वेल. लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट इक्वेशन हियर. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 15, फिर हमारे पास है यू, यू इज डिवाइडेड, फिर हमें 5, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू जो आपका है वो आपका रिप्रेजेंटेशन है डब्ल्यू दैट इज ऑफ ग्रेटर देन साइन एंड देन वी हैव 3, फिर उसके बाद आर है दैट इज प्लस, फिर उसके बाद 2 है एंड देन 50 है मल्टीप्लाई एंड देन 3. तो ये हम करेंगे सॉल्व, इसको कैसे करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हमारे पास 3 आएगा, ग्रेटर देन 3, यहाँ पे 3 टू द 6 है तो 3 प्लस 6, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे सो व्हाट वी विल गेट हियर इज 3, ये तो 3 रहेगा, उसके बाद देन वी हैव हियर इज द ग्रेटर देन साइन इज 6 प्लस 3, तो क्या 3 9 से बड़ा है, तो नहीं ये नहीं बड़ा है, इसका मतलब इक्वेशन 1 गलत है. सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन वी हैव 15, देन उसके बाद हमारे पास यू है, यू इज डिविजन, देन 5, आर इज प्लस, देन 3, वी की बात करती हूँ तो वी इज इक्वल्स टू साइन सो वी जस्ट राइट इट डाउन देन 2 फिर मल्टीप्लाई 3, इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन 5 3 तो हम 3 आएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 2 3 इज 6, 3 प्लस 3 एंड दैट इज 6 इक्वल्स टू 6, तो यस इट इज राइट, 6 इक्वल्स टू 6 होता है तो दैट विल बी द राइट आंसर हियर. ओके सो इक्वेशन नंबर बी विल बी द राइट इफ वी आर राइट हियर. ओके देन आफ्टर दैट सी इक्वेशन हम करेंगे दैट इज 15, आर हमारा है प्लस एंड देन वी हैव 5 एंड देन वी हैव यू दैट इज डिवीजन एंड देन 3, देन वी हैव इक्वल्स टू एंड देन वी हैव 2, देन आर इज प्लस एंड 3, ये इक्वेशन है, इस पर डिवीजन करेंगे 5 3 तो 5 और 3 हो जाएगा 15 प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 3 इज़ 6, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे 5 3 15 3 तक की अगर बात करेंगे 45, 40 प्लस 5 तो वो 45 प्लस 5 50 अपॉन 3 आ जाएगा, तो वो तो सही ही नहीं है एक्स 6 के केस में, तो ये भी नहीं होगा. उसके बाद इसकी बात करते हैं तो 15 यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते लिटिल बिट, 15 है ऐसे मतलब माइनस है, फिर 5 है, फिर वी हैव अ टी, टी इज योर मल्टीप्लाई, देन वी हैव 3, देन वी हैव डब्ल्यू, डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटेड हियर विद द साइन ऑफ ग्रेटर देन साइन, फिर ग्रेटर देन साइन है, उसके बाद देन वी हैव 2 एंड देन फिर आर प्लस दैट इज योर हियर इज 3. ओके सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन है नहीं मल्टीप्लाई है, तो 15 मल्टीप्लाई 15 15 दैट इज ग्रेटर देन 2 प्लस 3 दैट इज 6, एंड देर 50 क्या 0 क्या 6 से बड़ा है, तो नहीं है, तो दैट मीन्स फोर्थ इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट राइट एंड द इक्वेशन दैट इज राइट दैट इज बी दैट इज 15 यू 5 आर 3 वी 2 टी 3 है. नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर इक्वेशन, तो यहाँ पे 43rd क्वेश्चन आपके पास है दैट द यू नो इक्वेशंस वी हैव ऑप्शंस दैट इज 24 एस 3 मल्टीप्लाई 2 टी 2 यू 8, सेकेंड इक्वेशन इज 24 यू 3 देन आर 2 एस देन 2 डब्ल्यू एंड देन 8,
सी क्वेश्चन है 24 यू 3 टी 2 वी 2 एंड देन टी 8 फोर्थ वाला है दैट इज 24 आर 3 एस 2 एक्स 2 टी 8 तो हम सॉल्व करेंगे नॉट अ प्रॉब्लम हियर वी स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली सो दैट विल जस्ट सॉल्व द सॉल्यूशन इन एन अर्ली वे 24 है उसके बाद हमारे पास है एस एस जो है दैट इज फॉर द सब्ट्रैक्शन हियर सो सब्ट्रैक्शन 3 फिर उसके बाद एक्स की बात करते हैं तो एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेस देन साइन सो विल जस्ट राइट इट डाउन हियर देन फिर 2 है फिर उसके बाद टी है टी इज योर रिप्रेजेंटिंग द मल्टीप्लाई साइन सो विल जस्ट राइट इट डाउन मल्टीप्लाई हियर एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी 2 एंड देन फिर उसके बाद हमारे पास यू है एंड देन यू इज फॉर द डिविजन हियर एंड देन वी हैव 8 हियर ओके फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन है 24 दैट इज यू यू हमारे पास जो है दैट विल स्टैंड फॉर द डिविजन हियर एंड देन वी हैव 3 देन वी हैव आर दैट इज आर इज फॉर प्लस देन फिर 2 है फिर एस दैट इज माइनस फिर 2 है फिर डब्ल्यू डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटेड इज द ग्रेटेस्ट साइन एंड देन वी हैव 8 हियर सो मोर ओवर विल सॉल्व दिस फर्स्ट एंड देन उसके बाद हम कुछ करेंगे देखिए हम डिवाइजन यहाँ पे ये है तो ये आपको इस बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है इसका मतलब है कि ये आएगा दैट इज 1/4 करके आएगा एंड दैट इज 24 माइनस 3 लेस देन 2 मल्टीप्लाई 1/4 टू वन ज टू 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 ज फोर हो गया तो 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया 24 में 3 गया तो ऑब्वियसली बात 1/2 तो नहीं आएगा और जो आएगा भी वो उससे बड़ा होगा तो दैट विल नॉट द ट्रू तो इक्वेशन नंबर 1 विल नॉट राइट हियर सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 24 में 3 गया दैट मीन्स दैट विल बी 8 हियर एंड देन फिर प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 8 हियर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट हियर 8 प्लस एंड दिस माइनस सो प्लस पहले होगा 10 10 माइनस 2 दैट इज 8 8 क्या ग्रेटर है 8 से नहीं दैट इज इक्वल्स टू द इस एंड इसलिए सेकेंड इक्वेशन भी नहीं होगी लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व थर्ड इक्वेशन हियर थर्ड हमारे पास है 24 फिर हमारे पास है यू यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिवीजन साइन सो जस्ट राइट डाउन 3 फिर उसके बाद हमारे पास टी है तो टी इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लाई हियर एंड देन वी हैव अनदर दैट इज 2 फिर उसके बाद हमारे पास वी है वी इज डिनोटेड बाय द एक्स हियर एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अगेन 2 हियर एंड देन टी टी इज मल्टीप्लाई एंड देन 16 तो ये हमारे पास इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे वॉट वी विल बी फाइंडिंग आउट 3 में अगर 24 जाएगा तो दैट विल बी 8 हियर एंड मल्टीप्लाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 16 टू ज़ा सो 2 इंटू 16 16 टू ज़ा क्या होता है दैट इज 32 हियर एंड दैट फॉर दिस सेक 8 टू ज़ा 16 एंड दैट 16 टू ज़ा हियर तो वी विल जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन हियर एंड दैट विल बी द 32 सो वी विल जस्ट राइट इट डाउन यहाँ पे 8 टू द 16 यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी 8 टू द 16 यहाँ पे भी होगा तो 16 16 के इक्वल है या 16 16 के इक्वल है एंड दैट फॉर दैट सेक सी इज द राइट आंसर सी इक्वेशन सी विल बी द राइट आंसर हियर अगर आप इक्वेशन डी भी करोगे तो वो आपका गलत ही निकलेगा दैट डज नॉट सेटिस्फाई यू कैन जस्ट गो थ्रू विद 24 है और आर है 3 है सो जस्ट राइट इट डाउन हियर ओके आई विल राइट इट डाउन हियर जस्ट एज यू कैन अंडरस्टूड 24 फिर आर है आर के बारे में बोलते हैं तो आर इज योर रिप्रेजेंटिंग हियर एज प्लस साइन देन फिर 3 है फिर एस माइनस है फिर 2 है फिर एक्स की बात करते हैं सो एक्स इज रिप्रेजेंटेड हियर इज द लेसन साइन एंड देन वी हैव 2 एंड देन वी हैव टी दैट इज मल्टीप्लाई एंड देन ऑफ कोर्स 8 तो 24 प्लस 3 माइनस तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ये होगा तो दैट मीन्स फिर 24 पे प्लस 3 करेंगे 25 26 27 माइनस 2 इज लेस देन दैट इज 16 फिर उसके बाद 24 में 2 गया दैट मीन्स 25 क्या लेस देन है 16 से तो नहीं है वही तो ये क्वेश्चन डी भी गलत हो गया ओके अब सी के लिए लाइक यहाँ पे जो हमने किया था इसको थोड़ा सा ये हच पच हो गया विल जस्ट डू इट हियर ये 8 हुआ इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 8 मिला ओके अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 2 था इक्वल्स टू उसके बाद क्या है ये 2 है मल्टीप्लाई 8 ही तो है तो 2 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 8 अब यहाँ पे देख लो 2 इधर भी इधर भी 2 इधर भी इधर भी है सो 16 इक्वल्स इक्वल्स टू 16 या 16 इज इक्वल्स टू 16 तो इसलिए इक्वेशन सी विल बी द राइट आंसर दैट इज योर 24 यू टी 3 टी 2 वी 2 टी एंड 8 दिस विल बी द राइट आंसर
मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 44 हियर. द क्वेश्चन वी हैव इज 30 देन एस माइनस 6 फिर माइनस फिर 2 फिर एक्स के बारे में बात करते हैं. तो एक्स वी हैव हियर इज लेस देन देन 4 टी जो है वो मल्टीप्लाई होता है हियर एंड देन 3. ओके फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन जो है दैट वी हैव 30 माइनस 6 फिर से यू है सो यू इज रिप्रेजेंटेड बाय हियर विद द डिविजन साइन देन विद 2 फिर उसके बाद फिर डिविजन साइन है देन 4 फिर उसके बाद वी है दैट इज ऑफ इक्वल साइन एंड दैट इज 3. थर्ड इक्वेशन की बात करती हूँ. थर्ड इक्वेशन है 30 फिर यू है दैट इज यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिविजन साइन फिर 6 है फिर आर है दैट इज प्लस साइन फिर 2 है फिर डब्ल्यू है डब्ल्यू इज द ग्रेटर द साइन एंड देन फिर 4 है फिर मल्टीप्लाई और फिर 3 है. अभी तीन इक्वेशन सॉल्व करते हैं गो अहेड फॉर द फोर्थ हियर. इसकी बात करती हूँ यहाँ पे डिविजन का ही साइन नहीं है मल्टीप्लाई साइन दिखने को मिल रहा है. तो 30 माइनस 6 माइनस 2 एंड देन वी हैव लेस देन 4 3 12 हियर. इसको सॉल्व करेंगे फर्दर सो व्हाट विल गेट हियर दैट मींस इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन व्हाट विल गेट हियर दिस इज 12 दिस इज 30 माइनस 6 होगा तो 30 माइनस 6 व्हाट विल गेट 24 24 माइनस 2 देन विल गेट 22 22 क्या छोटा है 12 से तो नहीं है इसका मतलब इक्वेशन 1 इज रॉन्ग. अब आते हैं सेकेंड वाले के लिए. सेकेंड वाले में 2 और 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे विल गेट 3 एंड देन उसके बाद या फिर ये कह सकते हैं हम इसको इसको करेंगे 2 और 4 को देन विल गेट 2 हियर एंड देन उसके बाद फिर 2 और 3 गया तो 3 बचेगा 30 में 3 गया एंड दैट व्हाट वी विल गेट हियर इज एज 27 27 इज इक्वल्स 2 3 तो नहीं है भाई ये गलत है. बी इक्वेशन भी गलत हो गई एंड देन अकॉर्डिंग टू द 6 इक्वेशन 6 में 30 दैट विल गेट हियर 5 प्लस 2 that is greater than 4 multiply 3 तो 5 plus 2 that is 4 3 is 12 and 5 plus 2 7 7 क्या बड़ा है 12 से तो नहीं है भी नहीं है. इसको आता है सी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन गलत. अब फोर्थ इक्वेशन बची है तो फोर्थ इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं होपफुली इट विल बी राइट. 30 है फिर r जो है वो उसका हमारे पास है प्लस साइन देन वी हैव 6 देन फिर उसके बाद हमारे पास u दैट इज ऑफ डिवीजन देन 2 है फिर w है w इज द ग्रेटर देन साइन एंड देन वी हैव 4 देन मल्टीप्लाई एंड देन 3. तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 30 अभी यहां पे डिवीजन करना है 2 और 6 का तो दैट विल गेट 30 प्लस 3 एंड देन ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 3. अब उसके बाद हम करेंगे 30 पे प्लस करेंगे तो दैट इज 33 एंड दैट इज ग्रेटर देन फॉर 12 फोर इज 12 होता है तो यस 30 इज ग्रेटर देन 12. तो उस हिसाब से हमारे जो जो डी इक्वेशन है दैट विल बी द राइट आंसर हियर एंड दैट इज द इक्वेशन इज 30 आर 6 यू 2 डब्ल्यू 4 टी 3 हियर दिस विल बी द राइट इक्वेशन. ओके सो अमंग दिस एंड नाउ मूविंग अहेड हम लोग टाइप 1 डिस्कस कर रहे थे. अब हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइप 2 डिस्कस करेंगे. इसमें जो आपका टाइप 2 है दैट इज योर टाइप 2 इंटरचेंज ऑफ साइन एंड नंबर्स. यहाँ पे क्या होगा आपको एक इक्वेशन फॉर्म में दी होगी जिसमें आपका कॉम्बिनेशन होगा साइंस का नंबर का. बट इस केस में क्या होगा कि आपको वो साइन और नंबर्स क्योंकि अभी तक इससे पहले वाले में आप क्या करते थे सब्स्टिट्यूट करते थे जो सब्स्टिट्यूशन उन्होंने दी होती थी उस हिसाब को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था. बट इसमें आप क्या करना पड़ेगा नंबर्स और साइन दोनों को ही वो इंटरचेंज करने को बोल सकते हैं. इंटरचेंज करने का मतलब ये इसके प्लेस पे ये इसके प्लेस पे इंटरचेंज साइन भी करने को कह सकते हैं नंबर्स भी करने को कह सकते हैं. यू कैन जस्ट हैव टू इंटरचेंज दिस साइंस एंड नंबर्स. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन ऑफ दिस टाइप 2 एंड द 45th क्वेश्चन ऑफ दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन. इफ द गिवन इंटरचेंजेस नेमली इज साइन प्लस एंड डिविजन एंड द नंबर इज 2 एंड 4 are made in the sign and the number which one of the following four equations would be the correct. इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी गलत सही होगी आपको ये बताना है. आपको इंटरचेंज करना है प्लस को डिविजन से चेंज करना है और उसके बाद टू को फोर से इंटरचेंज कर रहा है. सो नो वरी वी विल जस्ट डू दैट. ओके तो प्लस को डिविजन से सॉल्व करेंगे. लेट्स गो अहेड प्लस को डिविजन से सॉल्व करेंगे. ओके एंड प्लस को डिविजन से सॉल्व करेंगे और क्या करना है 2 एंड 4 को इंटरचेंज करना है. 2 इससे चेंज एंड 4 इससे चेंज फिर 2 इससे चेंज 4 इससे चेंज 2 इससे चेंज 4 इससे चेंज इससे ये इससे. लेट्स गो अहेड 2 4 से चेंज होगा तो इसका मतलब है कि 4 और ये प्लस डिविजन होगा तो डिवाइडेड बाय 2 दैट डिविजन पे प्लस आएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 8 ये हो गई इक्वेशन. हमने इंटरचेंज कर दिया 4 की जगह पे 2 2 की जगह पे 4 प्लस की जगह पे डिविजन और डिविजन की जगह प्लस. लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस.
इसकी रिविजन सबसे पहले बॉर्ड पास पे होता है, तो 2 4 पे गया तो 2 बचेगा प्लस 6 दैट इज 8, तो क्या 6 प्लस 2 दैट इज 8 इक्वल्स टू 8, तो हाँ यस वी विल फाइंड आउट 8 इक्वल्स टू 8। लेट्स गो अहेड विद अदर इक्वेशंस हियर, इसको इधर चेंज करेंगे तो क्या होगा, वी विल गेट 2 प्लस देन 4 डिवाइडेड बाय 3 ये मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 4। अब इसको करेंगे डिवीजन, पहले होता है 4/3 हो जाएगा भाई, 2 प्लस 4/3 ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4, नहीं भाई ये इक्वल ही नहीं है 6, अगर हम 6 प्लस 4 10 10/3 करेंगे तब भी नहीं होगा, तो 10/3 आएगा तो ये नहीं होगा, इसका मतलब बी क्वेश्चन तो नहीं है। सी क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे दैन वी गेट 2 देन डिवाइडेड बाय 4 एंड देन प्लस 6 इक्वल टू 1.5। लेट्स गो अहेड डिवीजन सॉल्व करेंगे तो ये बता अपॉन 2 आ जाएगा प्लस 6, 6 2 12 प्लस 1 13/2, 13/2 को अगर फर्दर सॉल्व करेंगे 2 6 12 6.5 आ रहा है 1.5 नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हमारा मतलब है इक्वेशन जो सही होगी दैट विल बी दिस इक्वेशन 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 8, दिस इज द इक्वेशन दैट इज राइट व्हाइल इंटरचेंजिंग द साइन प्लस विद डिवीजन एंड डिवीजन विद प्लस एंड 2 with 4 with 4 एंड 2, सो दिस विल बी द राइट इक्वेशन 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 8। हियर Now moving ahead, we have another equation that is your question, that is your 46th question of the session that we have to discuss here. We have another question, that is the question number 46 here. And the question we have is, which one of the four interchanges in the signs and numbers would we make the given equation correct? अब आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने को बता दिया था कि भाई a प्लस को डिवीजन से सॉल्व यू नो इंटरचेंज करो, 2 को 4 से इंटरचेंज करो एंड देन फाइंड द आंसर, बट यहाँ पे अब उन्होंने बोला ही नहीं है आपको कि इंटरचेंज करो भाई, अब खुद ही इंटरचेंज करो, खुद ही सॉल्व करो वाला केस हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे 2 ही साइन निकला है तो जस्ट इंटरचेंज दिस कि 5 और इसको करेंगे, अगर 5 प्लस 3 दैट इज 8, 8 प्लस 8 में 2 गया तो क्या 4 आएगा, नहीं होगा। तो अगर हम माइनस को इधर करते हैं तो 5 में 3 के दैट इज -2, फिर -2 और ये -2 प्लस -2 तो 0 हो जाएगा, और --4 हो सकता है। ओके अगर या तो फिर मैं ये करूँ इक्वल साइन को भी इंटरचेंज करूँ क्या, तो फिर उस हिसाब से हम अगर इसको अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें क्योंकि इन्होंने साइन नहीं दिया है बाय मेकिंग एन इंटरचेंज, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, उसके हिसाब से इंटरचेंज कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम घूमते रह जाएंगे, इसको इससे इंटरचेंज करें, इसको इससे इंटरचेंज करें, नंबर कौन सा करें, तो ऑप्शन जो बोला उसके हिसाब से करेंगे एंड होपफुली विल फाइंड आउट द आंसर। प्लस को माइनस से करो तो 2 और 3 को इंटरचेंज करो, चलो प्लस को माइनस से इंटरचेंज कर लेते हैं, लेट्स गो अहेड हियर 3 है, अगर 3 को इंटरचेंज करना है 2 से, सो वी हैव 2 यहाँ पे, 3 की जगह पे 2, प्लस को किससे करना है माइनस से करना है, प्लस एंड माइनस, तो ऑब्वियसली बात है प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज करना है, दैट मीन्स माइनस आएगा फिर 5 आएगा फिर प्लस आएगा और फिर 3 आएगा, है ना, ऐसा ही है। उसके बाद देन वी फाइंड आउट आवर आंसर 4, चलो 2 माइनस 3 -3 + 3 - 3 + 3 दैट इज 0, तो भाई 0 = 4 तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया बिल्कुल ही। अब इसको देखते हैं, प्लस माइनस को इंटरचेंज करो, ठीक है सेम इंटरचेंज है साइन का, पर 3 और 5 को इंटरचेंज करो, 3 और 5 को इंटरचेंज करते हैं, लेट्स सी 5 और 3 को इंटरचेंज करेंगे, उसका मतलब 5 यहाँ आ गया, फिर माइनस आएगा, फिर वी हैव 3 देन प्लस एंड देन वी हैव 2 एंड देन वी हैव इक्वल्स टू 4, 5 में 3 गया बचा 2, 2 + 2 = 4, 4 = 4, yes we get the answer that is option B, that is plus and minus and 3 and 4, आपको plus को minus को interchange करना है और 3 and 5 को interchange करना है, then we'll you get the answer। इसके लिए भी करके एक बार देख लेते हैं, बट क्योंकि obviously हमें मिल गया तो ये होगा नहीं, बट फिर भी for your convenience we'll just do that। 2 और 5 को interchange किया है तो 3 ऐसे ही रहेगा, फिर plus और minus को change किया है तो obviously बात है minus आएगा, 2 आएगा फिर plus आएगा फिर 5 आएगा equals to 4, सो यहाँ पे क्या होगा 5 + 2 = 7 होगा, 7 में 3 गया -4 होगा, तो नहीं -4 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी विल बी राइट नॉट राइट द आंसर। तो उसके हिसाब से जो हमारा आंसर होगा दैट इज प्लस एंड माइनस एंड 3 एंड 5 का इंटरचेंज करोगे देन यू गेट द आंसर हियर। Moving ahead, we have a 47th question, and that is, in each of the following question, if the given interchanges are made in the signs and numbers, which one of the following four of would be the correct? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, ओके, एंड आपको बताना है कि अगर इंटरचेंजेस आपने किए हैं तो गिवन इंटरचेंजेस क्या है, माइनस को प्लस इंटरचेंज करो भाई, प्लस को माइनस से इंटरचेंज करो, और नंबर्स में 4 को 8 से और 8 को 4 से, सो लेट्स गो अहेड, 4 को 8 से और 8 को 4 से करना है, 8 है यहाँ पे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 फिर माइनस को डिवीजन से करना है, माइनस को प्लस से करना है, सॉरी डिवीजन होगा ये, क्योंकि प्लस तो है ही नहीं, डिवीजन है सॉरी, तो
यस, माइनस को डिवीजन से करना है, सो माइनस को डिवीजन मतलब डिवाइड का साइन होगा, और फिर उसके बाद सिक्स है तो सिक्स ही रहेगा, फिर उसके बाद ये माइनस रहेगा और ये फोर एट हो जाएगा, ओके दैट इज इक्वल्स टू वन। फिर उसके बाद इसके लिए करते हैं, तो ये हमारे पास फोर एंड एट को करना है, तो सिक्स तो ऐसे ही रहेगा, फिर डिवाइड का साइन हो जाएगा, फिर फोर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एट है यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस वन। उसके बाद वी हैव अनदर वन, यहाँ पे हमें फोर को एट से करना है, तो एट होगा फिर माइनस फिर फोर होगा एंड देन वी हैव डिवाइडेड बाय एंड देन टू एंड विच विल इक्वल्स टू सिक्स। या सो लेट्स गो अहेड सॉल्यूशन, अब फोर को सिक्स से डिवाइड करेंगे भाई, तो वो तो ऑब्वियसली दैट 2.4 आएगा, 2.4 माइनस वन तो वो वन तो इक्वल आएगा ही नहीं, तो ये इक्वेशन ए विल बी रॉन्ग। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज सिक्स डिवाइडेड बाय यू नो सॉरी दिस विल बी द डिवीजन, दिस विल बी द माइनस, या सिक्स में फोर गया तो वही 3/4 आएगा, फिर माइनस करेंगे उसको एट से, तो माइनस वन तो आने वाला नहीं है, तो दैट विल बी द रॉन्ग ऑल्सो। इसके लिए बात करते हैं, फोर में टू गया तो बचेगा टू, डिवाइड करेंगे जब 8 - 2 तो आता है सिक्स, तो सिक्स इक्वल्स टू सिक्स ही, दिस विल बी द राइट आंसर। सो द इंटरचेंज ऑफ द साइंस ऑफ माइनस एंड डिवीजन एंड द नंबर्स फोर एंड एट, सो द राइट आंसर विल बी फोर डिवाइडेड बाई 8 - 2 इक्वल्स टू सिक्स, वाइल वी अंडरचेंजिंग द माइनस विद डिवीजन एंड डिवीजन विद माइनस एंड फोर विद एट एंड एट विद फोर, सो दैट द इक्वेशन सी विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving ahead, we have another question, that is your question number 48, and here given interchanges, that is a sign प्लस को मल्टीप्लाई से और मल्टीप्लाई को प्लस से एंड द नंबर्स 4 and 5, 4 को 5 से और 5 को 4 से, सो लेट्स गो अहेड, 4 को 5 से 5 को 4 से, तो भाई पहले तो प्लस को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करना है, तो 4 को 5 से 5 को 4 से मतलब 4 यहाँ आएगा 5 यहाँ आएगा एंड देन फिर हम 20 यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू 104, इसे लिख दिया। अब बोला गया प्लस को मल्टीप्लाई से, तो प्लस को मल्टीप्लाई से इसका मतलब मल्टीप्लाई यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा, ओके तो ये होगा। लेट्स गो अहेड विद दिस ऑल्सो, 5 को 4 से 4 को 5 से 4 5 फिर 20 दैट इज इक्वल्स टू 40 है। अब प्लस को माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई ये होगा, और सर ये प्लस होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, इंटरचेंज किया 5 को प्लस इधर और ये इधर। नाउ अहेड इट के लिए अगर करते हैं, तो यहाँ पे 4 होगा फिर 5 होगा फिर 20 होगा दैट इक्वल्स टू 85। अब यहाँ पे प्लस इधर है तो इधर आएगा, यहाँ पे प्लस ये मल्टीप्लाई है, ठीक। लेट्स गो अहेड विद सॉल्यूशन, 5 4 5 20, 20 + 20 दैट इज योर 40, ओके 5 4 20 हो जाएगा और 20 दैट ओके यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे था, प्लस यहाँ पे था, सॉरी सॉरी ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सॉरी हाँ। सो 5 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 10 दैट इज 100 100 एंड 5 + 4 दैट इज 9 एंड दैट इज 109, सो या 109 इज देयर, सो दैट बेस द ऑप्शन 109 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज 109, ओके 5 + 4 हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है दैट इट इज मल्टीप्लाइड, सो वी जस्ट राइट इट आउट इन दैट केस ओनली। सो 109 विल बी द राइट आंसर, 5 × 4 + 20 विल बी द राइट आंसर, ओके क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे दैट 5 to 10 होता है, 10 के बाद फिर हम उसके बाद उसमें राइट ऐड करेंगे, तो 109, तो मतलब इस हिसाब से तो हमको आंसर ऑलरेडी मिल गया कि हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा, ओके या ये कह सकते हो फॉर दैट सेक अगर हम ये कहते कि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है तब तो फिर बात अलग हो जाती, बट दिस विल बी द राइट आंसर क्योंकि हम ये 5 को इससे यू नो मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ये प्लस 4 ये 4 ही है सॉरी 5 to 100 मल्टीप्लाई कर लिया 100 + 4 तो 184 होगा, इसके बाद हमें 104 इक्वल्स टू 104 तो दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर, दैट इज 5 × 4 + 20 इक्वल्स टू 104 दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बट अभी यहाँ पे इसको भी करके देख लेते हैं, दैट मीन्स 5 to 100 100 + 104 तो ये भी 104 आ रहा है बट ये 40 के इक्वल दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद करते हैं तो 5 to 100 100 + 4 दैट इज 104 क्या 85 की इक्वल है ये भी रही है तो इसका मतलब है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन। अब वो भी कहा है गिवन इंटरचेंज साइड प्लस को माइनस से माइनस को प्लस से नंबर्स 4 को 8 से 8 को 4 से, सो लेट्स गो अहेड हियर।
So here, given interchanges that we have to interchange a plus with minus and minus with plus and the numbers, that is 4 with 8 and 8 with 4. Okay, so ahead we'll discuss here. These were the options here. So here we have our equation is 8 minus 4 divided by 4, 12 equals to 8, and 4 minus 8 plus 12 equals to 0, and then 4 divided by 8 minus 12 equals to 16 here. Okay, these were the assignments and that we have to solve here. So let's plus minus को reshuffle करना है, तो plus minus को reshuffle करेंगे, so we'll get the answer as well. तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, तो we have there 8 that is minus 4 and then of course that we have a plus 12 here. Okay, so we'll solve this and then let's see कि वो इसका answer 8 आता है कि नहीं आता है. ओके सो हम लोग इसको पहले डिवाइड करेंगे. फोर, ये फोर छोटा है तो ऑब्वियसली बात ये वन अपॉन टू थ्री आ जाएगा एंड इट इज माइनस. तो फिर इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो 8 12 एंड दैट थर्स देन 24 माइनस दिस 23 अपॉन थ्री आएगा, तो 8 के इक्वल नहीं होगा. दैट इज मीन्स इक्वेशन वन विल बी द नॉट राइट आंसर हियर. ओके ओके सो दैट फॉर दैट केस वी विल मूव विद नेक्स्ट वन हेयर एंड द इक्वेशन वी हैव हेयर इज 4 माइनस 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज यहाँ पे ए प्लस पहले हम करते हैं क्योंकि बॉर्ड मास में एडिशन पहले आता है. तो 8 plus 12 that 8 sorry 12 plus 8 that means that will be the 20 here, and 20 minus 4 that will represent here as in the form जैसा कि बोला गया है. तो हम अगर इसमें ऐसे करेंगे सो वी विल बी हैविंग अ जीरो हियर. ओके, तो आपको बोला है कि इन दिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी राइट और नॉट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वुड बी करेक्ट इन द फॉर्म. तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे सो व्हाट विल गेट हियर इज 16 हियर. तो 20 में 4 गया, सो दिस विल बी यू विल गेट दिस माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड हियर विल सॉल्व दिस डिवीजन. इंटरचेंज करना है सो विल नॉट डायरेक्टली सॉल्व, वी आर सॉल्विंग दिस नॉट डायरेक्टली, सॉरी दिस इज द रॉन्ग मेथड. दैट प्लस को माइनस से करेंगे तो प्लस ये है, प्लस यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली, ये डिविजन है तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि प्लस को माइनस से करना है. तो ये तो प्लस है और ये माइनस है. अगर ये प्लस है और ये माइनस है देन वी कैन डू दैट. अगर ये डिविजन है तो फिर माइनस को प्लस से कैसे शिफल करेंगे, तो ये वैसे ही चला गया. यहाँ पे प्लस या माइनस दोनों है तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे. यहाँ पे प्लस माइनस से होगा, माइनस प्लस से होगा. ओके, आफ्टर दैट हमें क्या रिशफल करना है, 4 टू 8 को शफल करना है, 8 और 4 से शफल करना है. सो विल जस्ट हैव इट कि पहले 4 की जगह पे 8 हो जाएगा, इसका मतलब 8 और माइनस यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा. दैट वी हैव 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 4. उसके बाद फिर ये प्लस, तो प्लस है, प्लस हम ऑलरेडी लिख चुके, दैट इज माइनस एंड देन 12 इक्वल्स टू 0. हमें इससे सॉल्व करना है. तो द इक्वेशन वी हैव फर्स्ट वी हैव टू डू प्लस 8 प्लस 4 दैट इज ऑफकोर्स यू ऑल्सो नो दैट इज 12 एंड 12 माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. यस ऑफकोर्स दिस इज इक्वल्स टू 0. तो उस हिसाब से हमारी इक्वेशन बी जो है दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे थे, इंटरचेंज नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमें देखो आंसर नहीं मिल रहा था. बट जब इंटरचेंज किया हमने फौरन ही हमको आंसर मिल गया, 4 को 8 से, 8 को 4 से, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से. इस इक्वेशन की बात करते हैं तो सेम फॉर दैट केस डिवीजन है और यहाँ पे माइनस है, ऑब्वियसली बात है प्लस है नहीं, तो रिशफल कैसे करेंगे. तो जब रिशफल ही नहीं होगा तो फिर सोल्यूशन क्या करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं हो सकता एस बी इक्वेशन. अगर होता भी तो फिर हम उसको इंटरचेंज करते 4 को 8 से, 8 को 4 से, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, एंड देन आफ्टर दैट हम सॉल्व करते उसके बाद हम उसको आंसर निकाल दें. बट इस फॉर दिस केस हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज बी इक्वेशन हेयर एंड दैट इज 4 माइनस 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यू विल जस्ट हैव टू इंटरचेंज, यू डोंट फॉरगेट टू इंटरचेंज, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा. नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 50 हेयर फॉर द सेशन. Here in the case of 50th question, that given interchange sign minus को multiply से, multiply को minus से, and the number 3 को 6 से, 6 को 3 से. The equation we have is x multiply 3 minus 4 equals to 15. Then another equation 3 multiply 6 minus 4 equals to 33. And then here 3 minus 6 multiply 8 equals to 10. अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करना है और 3 को 6 से इंटरचेंज करना है. तो पहले तो 3 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर 4 होगा. तो ये 15 के इक्वल है कि नहीं ये हमें देखना है. इस केस में भी हमें 6 को 3 से, 3 को 6 से, तो 6 एंड देन मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन फिर मल्टीप्लाई एंड देन फिर 4 इक्वल्स टू 33. उसके बाद इसकी बात करते हैं माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को माइनस, 6 को 3 से, 3 को 6 से, तो फिर वी हैव अ 6 मल्टीप्लाई 3 एंड देन वी हैव अ माइनस 8 इक्वल्स टू 10.
इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें देखना है कौन सा आंसर सही है। इसके हिसाब से मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगी, 6 4 24 होता है, 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 कितना होता है, दैट इज 21, 21 इक्वल्स टू 15। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, आपको भी पता है इक्वेशन वन गलत होगी ऑलरेडी, ऑप्शन वन हमारा जो है वो गलत हो गया। इसके बारे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 4 सीधे 12, नहीं दैट इज इक्वल्स टू 33, नहीं भाई इसको तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके तो इसलिए ये भी ये रॉन्ग हो गया, सेकंड इक्वेशन भी हमारी गलत होगी। अब थर्ड इक्वेशन के लिए बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन के लिए बात करते हैं, 6 3 18, 18 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 क्या होता है, दैट इज दैट इक्वल्स टू 10, यस इज दैट इक्वल्स टू 8, में 8 गया 0 दैट इज 1, तो 10 इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स दिस इक्वेशन विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 10, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Now moving ahead, we have another question, that is your question number 51th question of the session as well, and the question we have, find out the two signs to be interchanged for making following equation correct. अब आपको बताना है कि ये जो question है, just like 5 plus 3 multiply 8 minus 12 divided by 4, that is equals to 3, ये equation इसमें बोला गया है कि दो signs को आपको interchange करना है, दो signs को interchange करने के बाद अब आपको ये बताना है कि क्या वो question जो है वो आप interchange करोगे, और उसके बाद आप बताना है कि वो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पेपर अमंग कंपटीशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अभी अब यहाँ पे देखो, एक साइन ये है प्लस मल्टीप्लाई माइनस फिर डिवीजन, तो यहाँ पे ऑल टोटल हमारे पास 4 साइन है और हमें 2 बोल रहा है, तो ऑब्वियस बात हम जब उसका 2 का 2 शफल करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो भाई इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो हम डायरेक्टली इसके थ्रू करके देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से माइनस को प्लस से करेंगे, प्लस को माइनस, जो ऑप्शन पे चले जाओ, जब ज्यादा ऑप्शन वैराइटीज होती है तो फिर हम ऑप्शन पे डायरेक्ट चले जाते हैं। ओके सो फॉर हेयर दिस वी हैव टू इंटरचेंज, तो माइनस को डिवाइड से चेंज करना है, लेट्स गॉन थ्रू विद दैट, माइनस ये है और डिविजन ये है, तो इस दोनों को इंटरचेंज करना है फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। सो लेट्स गो अहेड, वी हैव 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 एंड देन डिवाइडेड बाय 12 एंड देन वी हैव अनदर वन, दिस इज माइनस, then we have 4 and then of course we have equals to 3 that you have to solve. अब इसके बाद हमें सबसे पहले डिवाइड करना होता है, तो वी हैव टू डिवाइड विद इन दिस, क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटा है, दैट मीन्स 2 4 8 एंड 2 6 12 एंड देन 2 2 4 एंड देन 2 6, 2/3 आ जाएगा, तो वी हैव हेयर फॉरवर्ड अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई एंड देन वी हैव दिस इज 2/3, क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद आएगा माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3 है तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होता है तो 2 1 2 हो जाएगा, सो इन ऑल वी गेट 5 प्लस 2 माइनस 4, तो 5 में माइनस 4 गया, अब पहले प्लस कर लेंगे, 5 प्लस 2 दैट इज 6 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 अगर गया तो देन वी विल गेट, सॉरी 7 माइनस 4 गया तो हमें क्या मिलेगा, 3, तो 3 हमें मिलेगा, 3 इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे लिए शायद ये सही है। ओके देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, जिसमें हमें प्लस और माइनस को शफल आउट करना है, तो प्लस और माइनस को शफल आउट करना है, इसका मतलब प्लस ये रहा और माइनस ये रहा, तो इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो जस्ट गो थ्रू विद दैट एंड 5 माइनस हियर वी हैव एंड देन आफ्टर दैट, सो हियर वी हैव एज ऑफ विल जस्ट रेसिप्रोकेट माइनस को प्लस से एंड प्लस को माइनस से, सो वी विल गेट हियर दैट 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज डिवाइडेड बाय देन 12 माइनस, क्योंकि हमको माइनस को करना था तो माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड देन वी हैव 4 इक्वल्स टू 3, तो ये इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम 12 को 8 से तो ऑब्वियस बात है विल गेट 2/3, तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 3 एंड देन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 एंड देन वी कैन 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 है, तो ये तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 ही बचेगा, 5 में 2 है और फिर 2 प्लस 4 है, 2 प्लस 4 6 होगा, 6 में 5 गया तो -1 आएगा, तो हमें 3 चाहिए तो 3 नहीं है। ओके सो दिस विल ऑल्सो बी द रॉन्ग हेयर एंड दिस इज फॉर द सेक हाउ विल जस्ट प्लस को और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज करना है, इसका मतलब प्लस ये रहा और मल्टीप्लाई ये रहा, इसका इंटरचेंज करना है, सो विल गो अहेड हेयर, सो यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई 3 एंड देन प्लस 8 माइनस
सॉरी इधर से -12 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन इक्वल्स टू 3। तो ये क्वेश्चन है, इसके हिसाब से हम अगर करेंगे सो व्हाट विल गेट हियर इज इन द सीक्वेंस कि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे दैट विल गेट 4 हियर एंड देन वी विल बी हैविंग दैट इज 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस ऑफ दैट इज हमारे पास आएगा 2/3 एंड देन सॉरी 4 3 12 होता है, देन वी हैव 8 माइनस ऑफ हियर दिस व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस 3 एंड इक्वल्स टू 3। 15 प्लस 8 दैट विल बी 23। 23 में 3 गया तो दैट मीन 20 मिला। क्या वो 3 के इक्वल है? नहीं है इक्वल, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। ओके सो आफ्टर दैट वी हैव एन ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दैट विल बी द माइनस एंड प्लस यू हैव टू इंटरचेंज एंड दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस इक्वेशन टू मेंटेनिंग दिस सेटिस्फाइड। सॉल्व व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस एंड इट मेक्स दैट सेटिस्फाइड। मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर एंड दैट विल बी In each of 52th question, in each of the following question, an equation becomes incorrect due to the interchange of the two sign. Okay, so basically, आपको दो sign का interchange करना है. One of the four alternatives has been specified to interchange the sign of the equation. When made, will the equation be correct and find the correct alternative? आपको correct alternative भी find out करना है. इस question की अगर हम बात करते हैं तो UDC के question paper में पूछा गया and that is of course an important one here for the respect to the company. Here, so here this is your 5 plus 6 divided by 3 minus 12 multiply 2 that is equals to 17 here. So we go ahead, yahan pe bola gaya plus ko multiply se exchange karo, divide ko multiply se and plus ko divide se. So of course we will do here for this and hamare paas jo solutions hai uske according hum isko karenge but we'll just find it out ki hum isko replace karte to kya hota hai plus ko multiply se multiply ko plus se. So we have an equation plus fir plus ko make se karna hai multiply se karna hai then we have a 6 then divided by 3 then minus 12 and then multiply to fir wo plus se replace ho jayega and that will be here this will be the equation that will be forming here. So here hame kya karna hai pehle divide karna hai to 3 2 za hamare obviously baat hai 3 2 za 6 hota hai so 5 multiply 2 minus 12 plus 2 equals to 17 here. Uske baad multiply karenge 5 2 za 10 so we'll get 10 minus 12 प्लस टू एंड दैट इज इक्वल्स टू 17। 12 प्लस टू दैट इज योर 14। 14 में अगर हम इन्होंने 10 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 4 होगा, माइनस 4 मिलेगा और ये 12 है तो ये इक्वेशन सही नहीं है तो दिस विल बी नॉट राइट आंसर। प्लस और डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को अगर हम एक्सचेंज करेंगे सो व्हाट विल गेट डिवाइड और मल्टीप्लाई को सो 5 प्लस 6 डिवाइड आ गया तो मल्टीप्लाई होगा 3 देन माइनस 12 दिस इज डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 17। लेट्स गो अहेड विद दिस एंड डिवाइड हमारे पास 2 है ये तो 6 आएगा यहाँ पे आंसर सो इट विल बी 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 देन माइनस 6 इक्वल्स टू 17। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 होगा एंड देन 5 प्लस 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 17। फिर ये प्लस होगा 18 में 5 प्लस करेंगे दैट इज 19 20 21 22 23 23 में 6 गया तो क्या आएगा 23 22 21 20 देन वी गेट 19 18 देन वी गेट 17 एज आंसर। सो ये हमारा आंसर सही है दैट इज डिवाइडेड इज रिप्लेस्ड बाय द मल्टीप्लाई। बट फॉर योर सेक विल डू द सी वन ऑल्सो एंड दैट इज प्लस को डिवाइड को एक्सचेंज करना है 5 प्लस 6 एंड देन वी हैव प्लस हियर 5 मल्टीप्लाई रियल इक्वेशन से करना है ना सो रियल इक्वेशन वी हैव 5 फिर उसके बाद प्लस डिवीजन है तो हमें यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 6 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 माइनस 12 एंड देन मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 17 हियर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 5 में 6 अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो फ्रैक्शन में आएगा 1 पॉइंट समथिंग करके अपॉन में आएगा तो पॉइंट लगा के 0 तो फिर ऑलरेडी पॉसिबल ही नहीं है तो दिस इज नॉट दैट पॉसिबल एंड फिर वो फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई पॉइंट पर आ जाएगा जो कि हमें 17 आंसर नहीं देगा तो ऑप्शन बी हमें दे रहा है दैट मीन्स डिवीजन एंड मल्टीप्लाई दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Again, we have 53rd question of the session that is 2 multiply 3 plus 6 minus 12 divided by 4 equals to 17. ये question की बात करते हैं तो ये आपका UDC के question paper में पूछा गया है. Options we have plus and divide exchange होगा, plus and minus exchange होगा and multiply and plus exchange होगा. So we'll go ahead here. Equation हमारे पास है 2 फिर मल्टी प्लस और डिवाइड को करना है तो बाकी सारे वैसे रहेंगे प्लस आ गया तो डिवाइड लगा देंगे 6 माइनस 12 डिवाइड आ गया तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे इक्वल्स टू 17।
लेट्स गो अहेड हियर, इसमें डिवाइड करना है तो डिवाइड हमें 603 को करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 हियर, सो 2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड देन -12 + 4 इक्वल्स टू 17। इसमें ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका 1, तो 12 में आपका 1 गया तो दैट विल बी, अभी तो नहीं करेंगे 12 में 4, 16 16 में 1 गया तो ऑब्वियसली 15 बचेगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, इट मीन्स इक्वेशन 1 विल बी द रॉन्ग। सेकेंड इक्वेशन की बात करती हूँ जो कि प्लस और माइनस को रिप्लेस करना है, सो हैवी हैव एन इक्वेशन हियर 2, प्लस माइनस करना है मल्टीप्लाई 3, प्लस आ गया प्लस आ गया तो विल पुट माइनस हियर ऑफ 6, फिर प्लस आ गया 12 एंड देन डिवाइडेड बाय देन 4 इक्वल्स टू 17। फिर थर्ड वाले में बात करते हैं, थर्ड वाले के लिए भी लिखते हैं 2, फिर हमें मल्टीप्लाई को और प्लस को सबको करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर 3 डिवाइडेड बाय 6, फिर माइनस आ रहा है -12 प्लस आ गया, सो विल पुट मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 17। तो इस तरह से हम आंसर निकालेंगे, सो विल जस्ट डू दिस डिवीजन हियर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 -6 प्लस फिर उसके 4, 3 इज 12 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 17। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, वी हैव मल्टीप्लाई हियर, मल्टीप्लाई आता है तो विल जस्ट डू इट, मल्टीप्लाई 2 3 इज 6, 6 -6 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 17, फिर यहाँ पे प्लस है 6 3 9, 9 प्लस 9 -6 दैट विल गेट -3, तो यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन बी आल्सो द रॉन्ग वन। थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 और 6 में, तो ये आएगा 1/2, सो वी हैव 2 प्लस देन 1/2 हियर एंड देन that will be 1/2 and yes, then we have -12 multiply 4 and that is equals to 20. फिर 12 4 जा हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 48 हियर, 48 आता है तो वी विल हैव 2 प्लस 1/2 -48, फिर हम इसको प्लस करेंगे तो 2 प्लस करेंगे दैट इज मीन्स दैट वुड बी 4 प्लस 1 5/2 -24, सो विल जस्ट डू दैट 5/2 -48, ओके, फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे, सो विल जस्ट मल्टीप्लाई 8 टू 16, 6 यहाँ 1 कैरी एंड देन 2 4 8 एंड प्लस 9, 96/2 दैट 96/2 एंड यहाँ पे आएगा माइनस में दिस इज 5, तो 96 में 5 हो गया, दैट इज मीन्स 91/2 हियर एंड देन विल कैंसिल आउट विद दिस, सो विल गेट सम अप्रॉक्स 17 हियर। So according to this, we will have the answer as in the form of plus of multiply by omega. So that will option C will be the right answer for further solving here. Now moving ahead, oh, we have another question, that is your question number 54 for the session. In ahead, we have here the another question, that is your 54th question of the session, and that question we have is 16 minus 8 divided by 4 plus 5 multiply 2 equals to 8. इस equation की अगर हम बात करते हैं, UDC के question paper में पूछा गया, the options we have here. माइनस इंटरचेंज विद डिवीजन, डिवीजन इज मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इज प्लस, तो विल जस्ट इंटरचेंज दीज थिंग्स, तो 16 को अगर हम माइनस को डिवाइड से इंटरचेंज करते हैं, सो व्हाट विल गेट हियर, 16 डिवाइडेड बाय 8 देन -4 एंड देन प्लस एंड देन फिर 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8। विल सॉल्व दिस फर्दर, तो हमारे पास 8 टू 16 होता है, तो इट मीन्स 2 एंड -4 एंड देन प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8, फिर इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना था 5 टू 10, देन वी हैव 2 -4 प्लस 10 इक्वल्स टू 8। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वी हैव हियर यू हैव 2 -4 देन वी हैव अ प्लस एंड देन 10 ऑफ कोर्स, उसके बाद 10 प्लस 4 हम 10 ऐड करते हैं, एडिशन आता है 10 प्लस 2 दैट इज 12, 12 -4 दैट विल बी 8, तो 8 इक्वल्स टू 8, यस दिस इज सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव एन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज माइनस इज रिप्लेस्ड विद division and division is replaced with minus here, but for your convenience we'll solve another one also, division ko multiply se exchange karenge, so division ko multiply se exchange karenge, so we will have another one here, we'll just do it and that will be here, that is 16 minus then we have 8, division ko multiply se exchange karenge, then 4 plus 5 divided by 2 and that is equals to 8, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा, तो दैट मींस हमें डिवाइड करना है 5 को 2 से, अगर हम डिवाइड करते हैं तो विल जस्ट गेट इन अ डेसिमल, सो विल दैट विल नॉट काउंटेड हियर। नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव 16, फिर डिवाइड को प्लस से एक्सचेंज करना है, दैट इज डिवाइड को प्लस दैट इज प्लस 4, फिर देन वी हैव डिवीजन 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8,
उसके बारे में डिवीजन करेंगे तो 5 और 2 को 4 को करेंगे तो फिर वो भी फिर हमारे पास डेसिमल में आ जाएगा, दैट विल कॉल नॉट काउंट एंड दैट विल नॉट सेटिस्फाई द आंसर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेटिस्फाई कर लिया, दैट इज माइनस एंड डिवीजन को रिप्लेस करेंगे, दैट माइनस इज रिप्लेस बाय डिवीजन एंड डिवीजन इज रिप्लेस बाय द माइनस हियर. मूविंग अहेड वी हैव 55th क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड दैट इज, सो हियर 9 + 5 / 4 × 3 − 6 = 12. ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यूडीसी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, दैट इज 9. अभी हम बोला गया डिवाइड और मल्टीप्लाई एक्सचेंज करो, सो विल जस्ट डू दैट. डिवाइड को मल्टीप्लाई से एक्सचेंज करेंगे, देन वी हैव 4 × दैट इज डिवाइडेड 3 − 6 = 12. यहाँ पे डिवाइड नहीं हम जब करेंगे वो डेसिमल में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि वो नॉन डिविजिबल होगा क्योंकि टेंथ के केस में आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब है ऑप्शन ए विल बी द रॉन्ग आंसर. बी ऑप्शन के लिए लेते हैं डिवाइड और माइनस को एक्सचेंज करना है, डिवाइड और माइनस को एक्सचेंज करना है, इसका मतलब प्लस देन दिस प्लस एंड 5 डिवाइड माइनस से होगा माइनस दिस, मल्टीप्लाई 3 देन माइनस को डिवाइड से ऑफकोर्स देन 6 एंड देन इक्वल्स टू 12. इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को पहले सॉल्व करना है, सो 6 और 3 में अगर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 1/2 हियर, सो 9 + 5 − 4 × 1/2 एंड देन माइनस दैट इज इक्वल्स टू 12. ओके, सो इसको 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 2 × 2 ही बचेगा हमारे पास, एंड फर्दर विल सॉल्व दिस, तो 9 + 5 − 2, तो 9 + 5 − 2, 9 + 5 हमारा होता है 14, 14 में 2 गया तो बचेगा हमारे पास 12, एंड दैट विल बी द 12 इज इक्वल टू दैट, एंड दैट इट सेटिस्फाई द कंडीशन एज वेल एज दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज डिवाइड इज रिप्लेस बाय द माइनस हियर. एंड प्लस और मल्टीप्लाई के लिए फॉर योर सेक विल डू दैट. इक्वेशन हमारे पास है 9 एंड देन प्लस और मल्टीप्लाई एक्सचेंज होगा, तो 9 × 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड देन एड 3 − 6 = 12. इसके लिए बात करते हैं डिवीजन में, यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दैट इज डिवीजन इज रिप्लेस बाय द सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन इज रिप्लेस बाय द डिवीजन हियर. Now moving ahead, we have 56th question of the session, that is 12 divided by 2 minus 6 multiply 3 plus 8 equals to 16. This has been asked in the UDC question paper, and that is also an important question paper among the competition here. Options we have multiply and minus plus, divide and plus and minus and plus. So we have to exchange here, first equation ko hum satisfy karenge 12. मल्टीप्लाई को प्लस से, सो वी हैव मल्टीप्लाई प्लस मीन्स मल्टीप्लाई आ गया, तो इसका मतलब प्लस रिप्लेस होगा एंड प्लस है तो मल्टीप्लाई से रिप्लेस होगा, एंड दैट इज 8 एंड देन इक्वल्स टू ऑब्वियसली बात है टू 16. तो इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो 16 में 2 और 6 तो 6 आएगा, माइनस 6 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 8 8 3 दैट इज 24, तो दैट विल 6 − 6 + 24 एंड देन वी हैव टू ऐड एन ऑन एंड देन 12 + 6 और वी विल गेट 30 − 6 तो वी विल गेट हियर इज 24. तो 24 के 16 के इक्वल है नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन 1 नहीं होगा. सेकेंड इक्वेशन को बोलते हैं डिवीजन को प्लस से करना है, डिवीजन को प्लस से करना है इसका मतलब 12 एंड देन ऐड एंड देन 2 − 6 मल्टीप्लाई 3 देन डिवाइडेड बाय 8 एंड देन वी इसी बात है एंड दैट वी हैव टू रिप्लेस एंड दैट इज इक्वल्स टू 16 हियर. उसके बाद हम इसको करेंगे, विल मूव फर्दर हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो 12 + 2 हमारे पास आ रहा है एंड दैट विल डिवाइड हियर, तो 3 को आपको यू नो 8 से डिवाइड करना है, तो आप ऑब्वियसली बात है नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे हमें उस केस में डिवाइड करना है. सो हियर फॉर दिस क्वेश्चन इफ आई एम जस्ट एक्सचेंजिंग 12 + 2 देन वी हैव यू नो देन वी हैव हियर इज विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लस देन वी हैव मल्टीप्लाई देन वी हैव प्लस हियर 12 जो है वो प्लस 2 है, फिर उसके बाद यू नो दिस इज योर डिविजन हियर एंड देन उसके बाद हम फर्दर करते रहेंगे, दैट इज योर −80, दिस विल बी द −80. So for that sake, we'll just do it and then we will get what 6 + 6 multiply 3 − 8 and that is 6 + 18 − 8 उसके बाद 8 + 16 प्लस 16 की अगर हम बात करते हैं तो वॉट विल गेट हेयर दैट विल बी ऑफकोर्स 18 को अगर हम 8 से प्लस करेंगे सो ऑफकोर्स वी विल गेट हेयर दैट इज 4 उधर 4 इधर तो दैट विल बी द 16 हियर. सो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन बी होगा यू नो सी होगा, तो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट दिस विल बी नॉट राइट एंड दिस विल बी द राइट, क्योंकि माइनस को प्लस और प्लस को माइनस हमने एक्सचेंज किया है.
नाउ मूविंग अहेड, इसके लिए किसके अगर हम बात करते हैं, सो वी विल बी जस्ट राइटिंग हियर बिकॉज वो मैंने डायरेक्टली कर लिया है. सो हियर आई विल बी टेलिंग यू दिस 12 डिवाइडेड बाय योर 2, देन ऑफ कोर्स प्लस, एंड देन 6 मल्टीप्लाई 3, देन माइनस 8 इक्वल्स टू 16, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस को एक्सचेंज करने को बोला गया है. तो 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 6, या प्लस 6 देन मल्टीप्लाई 3 माइनस 8. तो उसके बाद हमें क्या करना है, देन वी हैव टू डू मल्टीप्लाई 6, 6 3 ज़ा 18 हियर, सो दैट विल गेट 6 प्लस 18 माइनस 8. तो ये किया तो 24 आ गया. फिर 24 के बाद फिर वी हैड माइनस 8 एंड देन विल गेट 16. तो उस तरह से हमारा जो है वो इक्वल होगा, एंड दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज माइनस और प्लस को आप एक्सचेंज करोगे. ओके, एंड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 57th क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंस नीड टू बी इंटरचेंज. आपको बताना है कि कौन से दो साइन हैं जो कि इंटरचेंज करना है हमको टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट. आप गिवन इक्वेशन को करेक्ट बनाने के लिए कौन से दो साइंस को एक्सचेंज करोगे, और ये क्वेश्चन जो है वो एम बी ए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हेयर. द इक्वेशन वी हैव इज योर 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 10. तो ये हमारे पास इक्वेशन है. सो वी फर्स्ट इक्वेशन वी हैव हियर इज प्लस को मल्टीप्लाई से एक्सचेंज करो. तो प्लस ये रहा और मल्टीप्लाई ये रहा, तो जस्ट डू दैट, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 फिर प्लस 10 इक्वल्स टू 10. लेट्स गो अहेड. पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 10 यहाँ पे आपका जो डिवाइड होगा यू नो 10 से, तो उसके बाद 10 10 से डिवाइड होगा 1 हो जाएगा. तो डेट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 प्लस 10, फिर उसके बाद इक्वल्स टू 10 तो हमें निकालना ही है. फिर 10 मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा. सो हमें क्या मिलेगा, 10 माइनस 10 प्लस 10. अब ये प्लस 10, ये प्लस 10 प्लस हो जाएगा 20, 20 माइनस 10 कितना होता है, 10 होता है. दैट इट सेटिस्फाई द वेल फॉलोइंग इक्वेशन. अभी के लिए इसको टिक कर देते हैं, दैट इज प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस से एक्सचेंज करना है. मोर ओवर सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, लेट्स डू फॉर योर सेक. प्लस को डिवाइड से एक्सचेंज करना है, तो प्लस को डिवाइड से एक्सचेंज करना है मतलब 10, फिर प्लस है तो डिवाइड होगा, फिर 10 होगा फिर प्लस होगा क्योंकि डिवाइड है, फिर 10 है माइनस 10 है मल्टीप्लाई 10 है. तो ये हमारा 10 के, 10 के इक्वल होना चाहिए. लेट्स गो अहेड. 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट विल गेट, 1 प्लस 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10. 10 10 से 100 हो जाएगा, सो वी विल गेट 1 प्लस 10, ओके, एंड देन वी विल गेट माइनस 100. अब यहाँ पे प्लस होता है पहले 11, अगर 10 100 में 11 माइनस होगा तो विल नॉट गेट, एंड वी गेट द आंसर इन नेगेटिव. सो दिस इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइंग. तो बी इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है. थर्ड इक्वेशन को देखेंगे, प्लस और माइनस को एक्सचेंज करेंगे, प्लस माइनस को एक्सचेंज करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. 10 प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर 10 फिर डिवाइडेड का साइन, देन 10 फिर प्लस, देन मल्टीप्लाई 10. यह हो गया, इसको सॉल्व करेंगे. 10 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस 1 फिर प्लस, देन 10 मल्टीप्लाई 10. उसके बाद वी हैव अनदर मल्टीप्लाई होता है, तो उसका मतलब है 10 माइनस 1 प्लस 100. उसके बाद 100 है ये, और ये 10 में वो 9, तो 100 में अगर 9 माइनस होगा, 100 में 9 प्लस होगा तो वो 109 बनाएगा. तो ऑब्वियसली वो 10 के इक्वल नहीं है, तो दिस विल आल्सो नॉट राइट. तो इक्वेशन जो हमें सेटिस्फाई, जो एक्सचेंज करनी है, दो साइंस को इंटरचेंज करना है, दैट इज प्लस एंड मल्टीप्लाई, अगर हम इनको एक्सचेंज इंटरचेंज कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी. ओके, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज ये एमबीए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अ 58th क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द टू एक्सप्रेशंस ऑन ईदर साइड ऑफ द साइन दैट इज माइनस विल हैव द सेम वैल्यू इन द टू टर्म्स ऑन द ईदर साइड और द सेम साइड और इंटरचेंज इट. द करेक्ट टर्म टू बी इंटरचेंज हैव बीन गिवन एज वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स ऑफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन हियर. सो फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ईच ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज योर 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई योर 2 एंड देन प्लस 7. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये कैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर अगर हम इसकी बात करेंगे. सो विल जस्ट हैव टू सेटिस्फाई द बोथ टाइप्स यू नो बोथ द इक्वेशंस हियर, कि वो इसके राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, या अगर है तो फिर किस तरह से है, देन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टूड एंड व्हाट यू हैव टू सेटिस्फाई हियर. तो उसके हिसाब से हम इसको करेंगे. सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट. अगर हम इसको कर सकते हैं तो वी कैन जस्ट डू दैट. ओके, सो हियर वी हैव हियर, इस पर सबसे पहले डिवाइड देखेंगे. डिवाइड यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. सो लेट्स गो अहेड. वी हैव 5 प्लस
प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस, देन फिर 4 और 2 तो 2 आएगा, इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 दैट इज 5 प्लस 7 ये होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला केस है, प्लस ये माइनस है, 6 3 18 होता है, देन मीन्स 5 प्लस 18 माइनस 2 देन इक्वल्स टू 4 3 12 होता है, 12 माइनस 5 प्लस 7 तो ये होगा। उसके बाद हमारे पास आता है एडिशन, तो 5 प्लस 2 जो होगा हमें बताना है कौन सा करेक्ट अल्टरनेटिव एक्सचेंज होगा, सॉरी वी हैव टू एक्सचेंज इट आउट ना, सो जस्ट वी हैव टू एक्सचेंज इट आउट, पहले तो मैं एक्सचेंज कर लूँ तभी तो सॉल्व कर पाऊंगी। 6 और 4 को एक्सचेंज करके देखते हैं, लेट्स गो अहेड, 6 को 4 से, 6 को 4 से एक्सचेंज करना है, सो विल जस्ट गो अहेड एंड एक्सचेंज द 6 विद 4 से, सो चलो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 6 है तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 है तो 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4 है तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 ये हो गया क्वेश्चन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड होता है तो 6 2 3 आएगा, तो इट मीन्स 5 यहाँ पे कर लेते हैं, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 प्लस 7 एंड फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 5 प्लस देन 4 इज 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 6 3 इज 18 18 माइनस 5 प्लस 7 फिर फर्दर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस करना होता है, 17 माइनस 3 इक्वल्स टू 18 माइनस दैट इज 5 टू 12 एंड देन उसके बाद 17 में 3 गया तो दैट विल यू विल गेट 14 इक्वल्स टू एंड देन व्हाट वी हैव ऑल्दो वी हैव 12 माइनस 5 दैट इज ऑल्सो 14 दैट 14 इज सेटिस्फाई इक्वल्स टू 14 तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन 1 हियर एंड दैट विल बी द राइट आंसर दैट इज 6, 4 6 को 4 से 4 को 6 से हमें इंटरचेंज करना है, कैट क्वेश्चन के पेपर में पूछा गया है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 5 को 7 और 7 को 5 से भी इंटरचेंज करके देख लो, 4 को 4 7 से 7 को 4 से भी इंटरचेंज करके देख लो, बट यू विल गेट द आंसर एज 6, 4 हियर। Now moving ahead, we have another question, that is your question number 59, that is 5, 7 multiply 2 minus 3 plus 8 divided by 4 equals to 5 plus 6 multiply 2 minus 24 divided by 3 and that is has been asked in the CAT question paper as well. The options we have is 3, 24 exchange karo and then we have 7 ko 6 se interchange karo and then otherwise you just exchange 6, 5 here. Iske hisab se agar hum exchange karte hain to we'll get the answer. बट द फॉर द इक्वेशन फॉर द रिस्पेक्टिव इक्वेशन अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पे हमें उस तरह से एक्सचेंज करना है, इस इक्वेशन में हमें इस तरह से एक्सचेंज करना है कि जो हम इक्वेशन में इंटरचेंज कर रहे हैं उससे हमारी वैल्यू को चेंज ना हो। ओके फॉर दैट से तो लेट्स गो अहेड विद 3 और 24 को एक्सचेंज करना है, 3 देखेंगे यहाँ पे है और 24 एक यहाँ पे है तो 3 और 24 को एक्सचेंज कर देंगे हम, सो विल डू दैट 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 24 प्लस 8 क्योंकि यहाँ पे 24 है नहीं कहीं पे तो यहाँ नहीं एक्सचेंज करेंगे, ये सिमिलर ही रखेंगे जहाँ पे होगा वहीं पे एक्सचेंज करेंगे हम। ठीक है 3 दैट प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 24 ये हमारे पास एक्सचेंज हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 24 को तो अपॉन में आएगा, उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इसको 4 को करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, लेट्स सी विल गेट व्हाट कि हम इसको 7 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 देन प्लस 4 2 जो 8 होता है तो 2 होगा प्लस 2 एंड फिर इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे करेंगे, दैट विल बी हैविंग 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 सॉरी 3 नहीं उसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट द आंसर इन द फ्रैक्शन दैट इज 1/8। ओके तो उस तरह से हम इसको करेंगे फर्दर सॉल्व करेंगे बट ये नहीं बनेगा क्योंकि 3, 4 है इंटरचेंजिंग के बाद ये नहीं है सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट वी हैव अ 7, 6 तो वी हैव एन इक्वेशन 7 को 6 6 को 7 से इंटरचेंज करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3 तो ये हमारे पास है 6 को 7 से 7 को 6 से हमने इंटरचेंज किया है। लेट्स सॉल्व दिस 6 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास है इसका मतलब ये तो होगा नहीं 6 मल्टीप्लाई 2 फिर माइनस 3 देन फिर प्लस 8 अभी हमारे सॉरी प्लस 8 नहीं कर सकते डिवाइड करना है 4 2 8 होता है तो प्लस 2
देन इक्वल्स टू 5 + 7 × 2, देन फिर हम डिवाइड करेंगे तो 3 8 = 24 दैट विल बी हियर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है 12 − 3 + 2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 5 + 14 − 8। उसके बाद फिर हम अनदर सॉल्व करेंगे तो 12 + 2 दैट इज़ 14 − 3 और इसके बाद करते हैं दैट इज़ 19 − 8 तो 19 में 8 गया दैट इज़ 11 और 14 में 3 गया तो भी 11, तो 11 = 11 यस इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन हियर। एंड फॉर दैट सेक वी हैव एन ऑप्शन हियर एज ऑफेंसिव, यू कैन जस्ट गॉन थ्रू विद दिस। तो अगर हम इक्वेशन के हिसाब से चलते सो विल गेट द आंसर हियर एंड दैट इज़ योर ऑप्शन 7, 6। एंड अगर आप 6C के लिए ट्राई करना चाहते हो यू कैन जो गो एंड जस्ट ट्राई कि वो यहाँ पे 11 11 सेटिस्फाई कर रहा है और 6.5 के लिए वो सेटिस्फाई एक्चुअली में नहीं करेगा। यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट द आंसर एज वेल। सो द आंसर विल बी 7 and 6 दैट विल बी द रिप्लेस दैट विल बी द इंटरचेंज टू विद ईच अदर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड इन द कैट एग्जामिनेशन पेपर एज वेल। Now moving ahead, we have a 60th question of the session and that is 15 + 3 × 4 − 8 and then divided by 2 equals to 8 × 5 + 16 divided by 2 − 3. This is an important one because this has been asked in the CAT examination paper. पहले वाले में 15 and 16 है, 15 यहाँ दिख रहा है और 16 यहाँ दिख रहा है तो इक्वल वाइज हमें चेंज करना है तो 16 + 3 then multiply 4 − 8 divided by 2 equals to 8 × 5 + 15 that is divided by 2 − 1। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करके 2 15 से सॉल्व ही नहीं होगा, फ्रैक्शन में देगा तो ये ऑलरेडी नहीं हो रहा है। इसके बाद आते हैं 15 और 5 में, 15 और 5 की इक्वेशन के लिए 15 है, 5 से रिप्लेस करेंगे 5 + 3 multiply 4 − 8 divided by 2 equals to 8 multiply 15 + 16 divided by 2 − 1 तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। उसके सेक में हम करते हैं लाइक 5 + 3 देन वी हैव मल्टीप्लाई फॉर देन 4 − दैट इज 4 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 15 + देन वी हैव 8 एंड देन वी हैव −1। तो नेक्स्ट फॉर दैट वी हैव सेक, अगर मैं इसकी बात करती हूँ 4 × 3 = 12 होता है, 12 में +5 करेंगे दैट मीन्स योर 17 में 4 गया दैट इज 13 तो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड जो आपका आएगा वो 13 होगा। इसकी बात करते हैं तो वी हैव 15 8 एंड देन वी हैव योर प्लस दिस एंड दैट इज मोर देन ऑफ 13 तो ये भी तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं, फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है भाई, थर्ड वाला लेट्स चेक 3 और 5 को करेंगे। 3 और 5 को इंटरचेंज करने पे हमें क्या मिलता है, लेट्स गॉन थ्रू विद दैट एंड 15 + 5 × 4 − 8 / 2 8 × 3 एंड देन वी हैव योर +16 / 2 − 1। इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स गो अहेड एंड फाइंड द आंसर हियर। So just do that here only and this is will be 15 + 5 × 4 − and then we 4 aayega yahan pe and then equals to 8 × 3 + 16 and 2 8 = 16 hota hai, so this will be 2 8 = 16 − 1। Uske baad hum baat karte hain 15 yahan pe hai and then plus and then we have 5 5 × 4 = 20 होगा तो दैट मीन्स 20 है एंड देन −4 इक्वल्स टू दैट इज 24 + 8 − 1। उसके बाद मोर ओवर हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे 20 + 30 = 35 में अगर 4 गया 31 तो मतलब हमारे पास है 31। इसकी बात करते हैं तो वी विल हैव 24 + 8 दैट विल 32 में 1 गया तो 33 तो हमें 33 मिल रहा है। ओके फॉर दैट सेक अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन हियर, दोनों 33 मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है 3 आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दैट इज 3 को 5 से और 5 को 3 से इंटरचेंज करेंगे। दिस इज ऑल्सो हैज बीन आस्क्ड इन द कैट एग्जामिनेशन पेपर दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन हियर। Now moving ahead, we have a 61th question and that is 6 × 3 + 8 / 2 − 1 = 9 − 8 / 4 + 5 × 2
and this has been asked in the CAT examination paper as well. And now 9 and 5 ko replace karna hai, so we'll just do that. 9 and 5, 6 multiply 3 plus 8 divided by 2 minus 1, and that equals to 5 minus 8 divided by 4 plus 9 multiply 2. So let's go ahead with the solution. 6 multiply यह divide यह हो रहा है, तो obvious ही बात है, that means 6 multiply 3 plus 4 minus 1 equals to 5 minus 4 2 जा 8 होता है, the 2 plus 9 multiply 2. इसको further solve करेंगे, so what we'll get here is 6 3 जा 18 plus 4. Plus 18 plus 4, that is 18 plus 4, that is 22. 22 में गया 21, 21 बचेगा. ला equals दिखते हैं. 9 2 is 18. 18 plus 5. 18 plus 5, that means 19, 20 and 23. 23 में 2 गया तो 21. तो 21 ये equal हो रहा है. 21 में 21, that is equal. And that for that sake we have an option, option A, that will be the 9 comma 5. But for your sake we'll do the 6 and 9 and 3 and 5 also. 6 and 9 and 3 and 5 की बात करते हैं, so we have ahead is equation 6 and 9, so that means 9 multiply 3 plus 8 divided by 2 minus 1, and that is equals to 6, and that is minus 8 divided by 4 equals to 5 multiply 2. इसको फर्दर सॉल्व ऑन करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट हियर इज दिस इज 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 एंड देन माइनस 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 2 सो देन माइनस 2 वी हैव हियर एंड देन आफ्टर दैट वी जस्ट सॉल्व इट दिस इक्वेशन एंड देन वी विल फाइंड इट आउट द सॉल्यूशन हियर. So, हम उसके अकॉर्डिंग अगर उसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट हियर, सो दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट विल जस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड दैट विल बी द 9.5, दैट विल बी द राइट आंसर एज वेल, एंड दिस यू कैन जस्ट गो एंड सेटिस्फाई, एंड दिस इज ऑल्सो यू कैन सेटिस्फाई, बट दिस विल बी नॉट कमिंग एज आंसर, बट दिस विल बी द कमिंग. 9 एंड 5 विल बी सेटिस्फाइंग वाली इंटरचेंजिंग विद ईच अदर. Here we have 62th question of the session, that is your 8 divided by 2 multiply 5 minus 11 plus 9 equals to 6 multiply 2 minus 5 plus 4 divided by 2. And this has been asked in the important examination paper, that is of CAT examination paper. Here 11 comma 5, 11 or 5 exchange karoge. What you will get here, 11 5 mein, yahan pe 5 mein 11 hai nahi, to yahan exchange nahi hoga, yahan exchange hoga. That will not already satisfied. 7 9 कॉमा 6 की बात करते हैं, सॉरी 3 कॉमा 6 की बात करते हैं, तो 3 यहाँ पे है, क्या 3 यहाँ पे है, दैट वी हैव अ 3 हियर, एंड हियर वी हैव अ 3, यू कैन सी गो अहेड एंड जस्ट 9 और 6 कॉम होगा, 9 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, जस्ट गो अहेड हियर. 8 divided by 2 multiply 5 minus 11 plus 6 equals to 9 multiply 2 minus 5 plus 4 divided by 2. इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, सो 8 divided 2, that means 4 multiply 5 minus 11 plus 6 equals to 9 2s are 18 here, 18, and then we have here
सो हेयर वी हैव दिस 9 एंड 6 का एक्सचेंज जो कि मैंने बोला था आपको करने को, तो विल जस्ट डू दैट फॉर द सेक दैट विल बी 8 दैट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई 5 एंड देन माइनस 11 एंड देन वी हैव प्लस 9 इक्वल्स टू एंड देन 9 की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे 6 एज आई टोल्ड यू। तो जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी फर्दर किया है तो वो आपका इक्वल ही जा रहा है, इसका मतलब है जो हमारी जो सेटिस्फाई करेगी वो 9 और आपकी ये 6 की ही सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन एंड दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। सो द ऑप्शन बी विल दी 9 एंड 6 को एक्सचेंज करोगे तब आपको आंसर मिलेगा, ये कैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लासेस दैट 64th क्वेश्चन 63rd क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे एंड देन विल ऑफकोर्स डिस्कस द टाइप 3 दैट इज योर डिराइविंग द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। बट बिफोर दैट जो एक्चुअली हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो हम बता दें आपको, रीजनिंग में मैंने आपको दो पार्ट्स में बताया था कि दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका, एक आपका है यू नो वर्बल रीजनिंग एंड एक आपका है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में भी दो पार्ट मैंने आपको बोला था दैट इज योर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड देन लॉजिक रीजनिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्पिटिशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि हम इस टाइम पे कर रहे हैं। तो ऑल टोटल हम 12th टॉपिक पे हैं, 11 डिस्कस कर चुके हैं एंड अभी हमें 12th के बाद भी हमें अभी 6 to 7 8 क्वेश्चन 8 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करना है जिसमें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद शुरू करेंगे, फिर अरिथमेटिकल रीजनिंग है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है, डेटा सफिशियंसी है, डिसीजन मेकिंग है, असर्शंस एंड रीजंस है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट है। उसके बाद सेक्शन 2 है लॉजिक रीजनिंग में जिसमें लॉजिक, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, deriving the conclusion from the passages, theme detection, question statement, miscellaneous logical puzzles that we have to discuss here. आफ्टर दैट पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं तो नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशंस ऑफ द इनकम्प्लीट पैटर्न फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रूल डिटेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइज, डॉट सिचुएशंस, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स एंड फिगर फॉर्मेशंस एंड एनालिसिस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हम करेंगे जिसमें हम ऑल कॉम्बिनेशन सारे आपके वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होंगे क्वेश्चन के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्पिटिशन के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है क्योंकि कंपटीशन में आप चाहे वो कोई भी कंपटीशन का पेपर दे, रेलवे का दे, चाहे आप कैट का दें, चाहे आप बैंक पीओ का दें, या फिर आप चाहे एसएससी लेवल का दे या यूपीएससी लेवल का दे, कोई भी लेवल का दे रहे हैं अगर आप, तो ऑब्वियस बात है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन के मेथड को समझे, पैटर्न को समझे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको करें भी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ समझते जा रहे हो तो एट लास्ट जब आप हम 28 टॉपिक पर पहुंचेंगे क्योंकि अभी 12 टॉपिक पे, तो आपके बाकी के 18 टॉपिक्स तो बिल्कुल गुम हो जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो होपफुली यू विल डू द बेस्ट ऑफ योर्स। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट मेनी एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एडवांस एंड इवन दो यू कैन ऑल्सो एंजॉय द वीडियो एज वेल। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास एंड थैंक्स फॉर ट्यूनर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट मेनी एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एट अस एज वेल। थैंक यू।